Yes. Enter the water. With the phone? With the phone? I already been inside, so I'm sorry. I will, inshallah. Just give me some time. Promise. Promise to you. तो मैंने ये वाली बाइक ली है, ठीक है। अब इसका एक वीडियो बना लेता हूँ पहले बढ़िया से आराम से, ताकि इसको प्रूफ कर सके कि हमने ये चीज़ नहीं करी है, ठीक है। तो आप लोग भी वीडियो बना लेना ध्यान से रख के, एंड ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और प्राइस जो हमने पे करी है इसके लिए वो देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके की सिम मांग लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना इसका, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाहर निकल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स और शॉपकीपर्स है और ट्रैवल एजेंट्स है जो आपको टिकट बेच देंगे आराम से, जितने भी आपको जाना हो शटल बस। तो जैसे आना उनका मेरे को दिख रहा है 150 था ये बात, ठीक है। तो सबका अपना अपना है। पहुंच गए थे, ठीक है। एंड इनसे हमने ले लिया रेंटल, ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड, गिव मी दैट। सो यहाँ पे ये प्राइसेस है, ठीक है। अगर आपको आउनांग जाना है, रेले बीच जाना है, ये सबका 150 है। तो अभी हम लोग क्राबी टाउन जा रहे हैं, जहाँ से हम लोग गाड़ी उठाएंगे, ठीक है। एंड ये प्राइसेस है रेंटल का, ठीक है। थैंक यू। एंड तो ये 1000 बात दे रहा हूँ इनको मैं, 180 हमारा बिल आया। यस मैम, ये वापस पैसे दे दिए इन्होंने, 820 बात। यस यस यस, वी आर वेटिंग ओवर देयर। थैंक यू ताओ, राइट। यू लुक लाइक इंडियन, यू लुक लाइक इंडियन बर्मीज। या यू लुक लाइक दैट। नाइस टू मीट यू, थैंक यू। खापुन खाम, आ जाओ। यहाँ पर अपन लोग खड़े हैं एयरपोर्ट के बाहर, ठीक है, जहाँ से अभी ये मिनी वैन्स जाती है, ठीक है, बहुत सारी। तो इन सब की कोई पार्टनरशिप होगी, नहीं तो सबका अलग अलग है। तो 90 बात दिए हैं और क्राबी टाउन चलते हैं फटाफट से, गाड़ी उठाते हैं वहाँ पे, देन देखते हैं क्या करना है। तो लेट्स गो। हमने बैठ चुके हैं हम लोग, ठीक है। एंड अभी बहुत गर्मी है यहाँ पे, एसी वगैरह की सबकी बात लगी हुई है, बट स्टिल हम ट्राई कर रहे हैं पहुँचने की। थोड़ी देर लगेगी जितनी भी। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. आपको जो हमने वो दी थी शटल बस या फिर शेयरिंग टैक्सी, उसने हमको यहाँ पर उतार दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एनपी से पूछा था ओले बार, और यहाँ पर यहाँ है मोटर बाइक फॉर रेंटल, ठीक है। क्राबी में ही ये ऊपर है इसका, कोई मतलब बहुत सारी दुकानें, आप किसी से भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये वाली बाइक ली है, ठीक है। अब इसका एक वीडियो बना लेता हूँ पहले बढ़िया से आराम से, ताकि इसको प्रूफ कर सके कि हमने ये चीज़ नहीं करी है, ठीक है। तो आप लोग भी वीडियो बना लेना ध्यान से रख के, एंड ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और प्राइस जो हमने पे करी है इसके लिए वो है 350 बाट दो दिन के। तो ये लोग मांग रहे थे 400 बाट, लेकिन मैंने 350 में कर दिया, क्योंकि पड़ोस वाली 350 में दे रही थी, लेकिन पड़ोस वाली की बाइक थोड़ी क्या है खटारा कंडीशन में थी, ये फिर भी थोड़ी सही है। सो इसलिए हमने ये वाली ली है, एंड आई होप कि एवरीथिंग विल बी फाइन। और अभी इनको 2000 थाई बाट देने हैं और पेमेंट करना है उसका, क्या बोलते हैं, तो मैं डिपॉजिट तो उस करेंसी में दूंगा, क्या बोलते हैं, डॉलर्स में, बिकॉज मेरे पास इतना थाई बाट है। करेंसी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, इनको $70। तो ये सीरियल नंबर वगैरह आप भी रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, इनको दे रहे हैं अभी। ओके, डिपॉजिट $70। ओके, एंड नाउ लेट्स मी मेक अ वीडियो मैं, ठीक है। तो आप भी बना लेना, ठीक है। अब जैसे इधर देख लो आप, ये ऐसा है, ठीक है, फिर ये भी ऐसा है, फिर ये इधर स्क्रैच है, ठीक है, ये कोने में भिड़ी भी है, यहाँ से स्क्रैच है, ये देखो यहाँ पर स्क्रैच हुआ हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो टूटा हुआ है, ये भी बना लेना, ठीक है। नीचे से पूरा ऊपर से यहाँ पे से स्क्रैच लगे हुए हैं, ये गाड़ी का नंबर है, ठीक है। एंड ऐसे बना लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ से भी स्क्रैच आए हुए हैं, और यहाँ से स्क्रैच आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से तो स्क्रैच आए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया इसका पूरा सिस्टम, इतना सा वीडियो बना लेना बस। एंड टायर वगैरह भी देख लेना यार, पिछली बार हमने वियतनाम में गाड़ी ली थी, टायर उसके फट गए थे, मतलब कट गया था, तो उसका पैसा हमको देना पड़ा था। ओके, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 7 ओके, कम बैक 6 7 ओके, वन टू ओपन पॉलिसी यू पुट हियर, ओके, सीट ओपन, सीट ओपन, या एंड यू कैन यू गिव मी लॉक्स आल्सो, लॉक, एक्स्ट्रा लॉक, लॉक हियर, लॉक ओवर हियर, यू चेक ऑन द लेफ्ट, क्राबी सेफ, क्राबी सेफ, या सेफ, ओके, चेक एंड देन कम डाउन, श्योर, मेक डाउन, परफेक्ट, परफेक्ट। And this is the holder for the phone. Yeah. तो ले ली रेंट पे, ठीक है। अमन भैया ने भी हेलमेट पहन लिया है। अब फटाफट से चलते हैं अपना, क्या बोलते हैं,
सिम लेने के लिए, जो कि यहाँ पे सेवन पर आए थे हम लोग 7-Eleven में, ठीक है। तो इनके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, तो आप लोग, हमने ये वाला लिया है अभी, ठीक है। ये 30 दिन तक वैलिड है और 350 थाई बाट का है, यानी करीबन 700-800 रुपये की सिम है, ठीक है। एंड इसमें मिलेगा 30 GB अपन को। तो जस्ट अभी 7-Eleven में है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो वो सिम खरीद ली है, ठीक है, 350 बाट की आई है। मेरे पास पुरानी भी पड़ी हुई थी और मेरे पास 2-3 सिमें और थी, लेकिन वो सब डीएक्टिव हो गई है, बिकॉज वो उसको ख़रीदे हुए बहुत सन हो चुका है, ठीक है, मतलब 6 महीने हो गए होंगे करीबन। सो अभी यहाँ पर सिम ले ली हम लोगों ने, ठीक है। एंड ये बैग वगैरह रखा है, ठीक है। तो अभी घर हॉस्टल चलते हैं और देखते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। अगर आप लोग एयरपोर्ट से आ रहे हो या फिर लैंड से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, 7-Eleven से सिम खरीद लेना, ठीक है, बिकॉज आई गेस जितना मुझे लगता है हमेशा एयरपोर्ट में महंगी मिलती है। एंड पिछली बार हमने जब ली थी ना, तो वो करीबन 150 थाई बाट की थी, लेकिन इस बार तो 350 की लेनी पड़ गई, क्योंकि ये 30 दिन का लिया है, क्योंकि अभी ऑप्शन था नहीं कोई और सिम लेनी पड़ी। तो अगर आप लोगों को इमरजेंसी नहीं है, तो आप दूसरी भी सिम ले सकते हो, शायद तक 150-200 की आती। तो आपको बोलना पड़ेगा इनको कि टूरिस्ट सिम मत दे के लोकल सिम दे, तो ये आपको लोकल सिम देंगे, वरना ये लोग आपको टूरिस्ट वाली सिम चिपका देंगे। तो इनको बोला नहीं नहीं टूरिस्ट नहीं, लोकल लोकल। तो जैसे मैंने फोटो दिखाई ना आपको, तो वैसी वाली सिम खरीद लेना, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ वापस, ठीक है। इस तरीके की सिम मांग लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। थैंक यू सो मच। वैसे फटाफट से चलते हैं, ठीक है, हमारे हॉस्टल जिसका नाम है स्लम्बर पार्टी हॉस्टल, वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा नहाते वहाते हैं, पूल में कूदते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोगों को कैसा रहता है आज की रात, आज की शाम। लेट्स एक्सप्लोर क्राबी थाईलैंड। कैसे हो आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं आ चुका हूँ स्लम्बर पार्टी हॉस्टल में, ठीक है। मेरी खुशी बहुत तेज़ है, बिकॉज मैं क्राबी में आया ना, मेरे को इतना मज़ा आ रहा है। हम लोग गाड़ी चला कर आए, करीबन 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर गाड़ी चला कर आए, उसमें इतना मज़ा आया। फिर यहाँ पर आए स्लम्बर पार्टी हॉस्टल में, ठीक है, चेक इन करा, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करा 5-10 मिनट का, फिर मैं पूल में चला गया था नहाने, ठीक है, फ़ोन चार्ज लगाया सब कुछ करके। अब मैं आ चुका हूँ बाहर और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो हॉस्टल है, जिसका नाम है स्लम्बर पार्टी हॉस्टल क्राबी, जो कि आउनांग बीच पे सिचुएटेड है, जो कि क्राबी के वन ऑफ द बेस्ट होटल्स और हॉस्टल्स में से एक है, पार्टी के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पे होटल्स रूम भी बना रखे हैं और डॉर्मेट्री भी बना रखी है। सो अभी अंदर चलते हैं और चेकआउट करते हैं कि क्या क्या पहले देखते हैं यहाँ पर। ये रहा अपना स्लम्बर पार्टी हॉस्टल, ठीक है, ये एंट्रेंस है। तो यहाँ पर जब अपन एंटर होंगे, तो एंटर होते हैं यहाँ पर बना रखा रिसेप्शन, यहाँ पे बीन बैग लगा रखे हैं, 2 TV है, ठीक है। एंड देन इधर है अपना रिसेप्शन, जहाँ पर आपका चेक इन टाइमिंग है 2 बजे और चेकआउट है 12 बजे, ठीक है। तो ये हमने भर दिया था, ठीक है, पूरी डिटेल्स वगैरह आप लोगों को भी भर देनी है ऐसे, ठीक है, फॉर्म वगैरह साइन करके। और 500 बाट यहाँ पर लगता है अपना क्या बोलते हैं उसको, 500 बाट इसमें लगता है अपना डिपॉजिट, अगर आप रूम लेते हो ना आप लोग, ठीक है। एंड इधर ये हो गया अपना सिटिंग एरिया, जहाँ पर बैठ सकते हो, नाउ और नेवर, ठीक है। ये बना रखा है इन लोगों ने अपना वीडियो, अब अंदर चलते हैं, ठीक है। ये इनके सोवेनियर्स है, ठीक है, जो ये खुद के बेचते हैं। तो इधर से चलते हैं अपन, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट रूम्स बना रखे हैं हॉस्टल्स के लिए, बार सेप्शन पे, ठीक है, बार सेप्शन यानी बार और रिसेप्शन दोनों का मिक्स, ठीक है। तो जैसे एंटर होंगे यहाँ पर, ये इन्होंने आर्किटेक्चर और डिज़ाइनिंग बना रखी है, देखो यहाँ पे डॉर्म्स है, प्राइवेट रूम्स है, पूल पार्टी है, रेस्टोरेंट है, बार है, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये मार्गरिटा डे है, ओनली 139 बाट ऑल डे, ठीक है। ये गेम्स वगैरह चलते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस हॉस्टल में, हेलो। एंड इनके इस जगह पर पूरे सिचुएटेड है, ठीक है। सो थाईलैंड में इनका देखो, पाई में है, चंगराई में है, चंगमाई में है, बैंकॉक में है, कोचांग में है, कोताओ में है, को सामुई में, को पंगान में है, अपना कूटा बीच बाली में भी है माशाल्लाह, फीफी में भी है, फीफी आइलैंड 2 है, ठीक है, फुकेट में भी है, फुकेट पटांग में भी है, काटा बीच पर है, कोलंबो में भी है, फांगना में भी है, क्राबी में भी है, क्राबी में भी, आउनांग पर भी है, 2 है यहाँ पे, ठीक है, और बैंकॉक में तो है ही है, ठीक है। अब इधर आते हैं अपन, ठीक है। तो ये रूम बना रखे हैं इन लोगों ने, तो अगर अब मैं दिखाऊँ आपको अपने राइट साइड में, ठीक है, तो राइट साइड में ये 211 से लेकर ऐसे रूम लगा रखे हैं, ठीक है। और इधर बना रखा है स्लम्बर पार्टी आउनांग हॉस्टल का ये झूला, ठीक है। देन इधर बना रखा है, इधर अगर आप लोग बाहर से खाना ला रहे हो ना, तो खा सकते हो इधर वाली साइड में, ठीक है। तो वो अलग अलग रूम्स हो गए, आपको जो भी अलॉट होगा, ठीक है। इधर रेस्टोरेंट और बार की, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही एंटर होंगे, यहाँ पर सामने आपको दिख रहा होगा बार है, और वो सामने रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आप लोग खाना ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं वैसे, ठीक है। ये रहा अपना स्लम्बर पार्टी आउनांग, ठीक है, ये हर जगह लगा रखा है इन लोगों ने, ठीक है। अंदर नीचे आएंगे,
तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर बार है ठीक है, जहाँ पर आप लोग अलग अलग ड्रिंक्स ऑफर कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं ठीक है। तो यहीं पे होती है सारी पार्टीज़ वगैरह ठीक है। और यहाँ पर किचन है जहाँ पर आप लोग खाना बना भी सकते हो और ऑर्डर भी कर सकते हो। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और इनके पास ड्रिंक्स में ये सब ऑप्शंस है ठीक है। अपना सेक्स ऑन द बीच, मार्गरिटा, वोडका, जिन, टकीला, सब कुछ है ठीक है। ये हो गया। और बात करें गाड़ी की तो देख लो यहाँ पे 300 cc, 300 baht से स्टार्ट है, 500 से। हमने दो दिन के 350 में ले ली ठीक है बाहर से। और ये टिप, ये मेन्यू है ठीक है। यहाँ पे बर्गर है, थाई डिलाइट्स है, सालसा है, नाचोज है, पिज्ज़ा है, मार्गरिटा, पेपरोनी, हवाइन, सब तरीके का पिज्ज़ा है ठीक है। एंड देन यहाँ पे स्कैन टू ज्वाइन है, ये सारे ग्रुप एक्टिविटीज़, ड्रीम, जो भी चीज़ हो रही है इनका व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करता हूँ मैं ठीक है। ये हैप्पी आवर है इनका, ये ऑल डे इतना 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 ठीक है। सो ऐसा है। और यहाँ पे ये गेम्स लगा रखे हैं खेलने के लिए ठीक है, ये बॉल वाला गेम्स ठीक है। फिर इधर भी है, इधर वाले उधर मारते हैं, उधर वाले इधर मारते हैं ठीक है। तो ये तो हो गया ये वाला। अब इधर देखें अपन, इधर देखें तो यहाँ पर एक काउच लगा रखे हैं ठीक है, जहाँ पर आप लोग आराम कर सकते हो। एंड इधर भी लगा रखा है जहाँ पर आप लोग बैठ के आराम वगैरह कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो ठीक है। एंड इधर देखें अपन तो ये रहा पूल अपना ठीक है। यहाँ पे अमन भैया खेल रहे हैं, अभी मैं नहा लिया था मैंने इसमें। यस विद द फोन, विद द फोन I already been inside, so I'm sorry. Can you go again? I will, inshallah. Just give me some time. Promise. Promise. Promise to you. I don't know how to do this. Like this, right? Okay. I did. Oh, that's great. So your parents are from Thailand and you're born in Germany, right? No, my dad is Thai. Ah, that mixed one. That's nice. यहाँ पे आपको दुनिया भर से लोग मिलेंगे ठीक है। अरे मन भैया कैसा लग रहा है? बढ़िया, गार्ड बांधी वालों में भाई साहब। एंड यू गाइस आर आल्सो फ्रॉम जर्मनी? यस, वी आर ट्रैवलिंग टुगेदर मैन। आई एम कमिंग मैन, आई जस्ट वांट टू रिकॉर्ड सम वीडियोस एंड देन आई विल ठीक है। तो ये बोल रही है 5 मिनट में आ जाओ ना तेरी मैं वाच लगा दूंगी ठीक है। सो अभी फटाफट से चलते हैं ठीक है, अंदर का दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अपना डॉर्मेट्री ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सामान वगैरह रख दिया है, वैसे मैं लाइट जला देता हूँ फटाफट से। ओह सॉरी, लाइट जली हुई है ठीक है। घुसते ही अपना एसी है ठीक है, और ये दो बेड इधर है, दो हमारे हैं। मैंने तो देखो पूरा बिछा रखा है सामान सामान ठीक है, जो भी था। एंड अगर बात करें तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसा दिखेगा। एक सेकेंड लाइट वगैरह जला के, तो अगर आपको दिख रहा होगा ठीक है, तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर एक तकिया जिसके नीचे लगा होगा बिल्कुल कंफर्टेबल वाला बेड ठीक है। एंड देन ये हो गया अपना ब्लैंकेट ठीक है। तो अभी 5 मिनट है मेरे पास जाने के लिए उनके पास, वरना वो क्या बुरा मान जाएंगे। तो मतलब मज़ा आएगा ना यार अभी ठीक है। एंड ये टॉयलेट्स है, तो टॉयलेट्स में दिखाता हूँ इधर आपको ठीक है। ये वॉश बेसिन हो गए, ये हो गया आपका मिरर, ये हो गया अपना नहाने का सिस्टम, यहाँ पे गर्म ठंडा पानी दोनों है। बाकी मैं टूर वापस से दूंगा आप लोगों को। ये टॉयलेट्स है, बहुत क्लीन टॉयलेट्स हैं। अंदर चलते हैं ठीक है, बिकॉज फटाफट से चलते हैं, वो बुला रही है बार बार ठीक है, चिल्ला चिल्ला के। तो अब अंदर चलते हैं ठीक है, और मैं दिखाता हूँ आपको। रात के 10:30 और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और भाई और लोगों का डिमांड था कि मैं आप लोगों को क्लब्स दिखाऊँ, यहाँ के पार्टीज दिखाऊँ। तो अभी हम लोग एक क्राबी में, तो क्राबी के अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ की क्लब्स, यहाँ की पार्टीज। सो चलते हैं, 10:30 बज रही है अभी। तो आई होप कि माहौल भी बन चुका होगा, अमन भी और मैं जा रहे हैं अपनी बाइक से। एंड लेट्स सी कैसा रहता है आज का। Gonna do it all again.